हमारे साथ भैया, आपको कैसा लगा खा कर? इतने से समय से खा रहे हैं आप? तभी खा रहा है। नमस्ते हबीबी, मैं हूं गौतम कुमार और ये है मेरा न्यू ब्लॉग, और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ब्लॉग्स ऑफ इंडिया में। हबीबी, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे भारत देश में खान पान को कितना महत्व दिया जाता है, कितना पसंद किया जाता है, फिर चाहे वेज हो या नॉन वेज या फिर कोई इंटरनेशनलिस्ट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंडियन दबा के खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जो अगर खाने खिलाने पर आ जाए तो लोग पटाख से पूछते हैं, वाह भाई क्या बात है, किस खुशी में खिलाए जा रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिठाई के बारे में। और आप सब जानते ही हैं कि मिठाई भारत देश में हर खुशी के त्यौहार या हर खुशी के मौका पर खाए खिलाया जाता है, और अगर ये दोनों ना भी हो फिर भी लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। सो बोलिए, प्लीज़ चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, अभी बहुत मुश्किलों के बाद में हमने अभी ट्रेन पकड़ा है। यहाँ तो एक तो कोच का प्रॉब्लम है कि डब्बा मिलता नहीं है और इतना भीड़, और जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, ये लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है क्योंकि रिलैक्स लोग करके जा रहे हैं, अपना कोई सोते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। हर आपको बोगी में आपको दिख जाएंगे, और आगे भी दिखाते हैं आपको। सो रिलैक्स हो के सभी लोग अपना जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं ना। यहाँ पे पाकेट मारने का जो होता है ना कि चोरी वोरी हो गया, वॉलेट, ये सब अब क्या करें, इतना भीड़ है, खचा खच। लेकिन नॉर्मल से रिलैक्स हो के अब जा सकते हैं कहीं पे भी, और ये फर्स्ट टाइम है आफ्टर लॉकडाउन। देन और आरा जंक्शन से बाहर निकलते वक्त अब जैसा कि देख सकते हैं बहुत भीड़ है। हर स्टेशन के बाहर ऑटो जितना भी है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो सब लगा हुआ रहता है। सो अभी कैमरा भी मेरे साथ है, सो बने रहिए मेरे साथ। और ये एक ऐसा मंदिर है जो मतलब पटना जंक्शन की शोभा बढ़ाती है, ब्यूटी बढ़ाती है, और यहाँ से सभी लोग पूजा पाठ कर अपना एक तरीके से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वैसे अच्छा भी है, करना भी चाहिए ताकि आप हर खतरे से बचे रहें। जब आरा से कुछ दूर में आएंगे ना, यहाँ पे मौला की तरफ, मौला बाग की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे द होली सेवियर चर्च करके एक यहाँ पे बना हुआ है। और मैं इसलिए इसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पुराना है और किन्हीं कारणवश ये अभी बंद पड़ा है। अपने पढ़ाई से लेके, अपने फ्यूचर से लेके, जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, इसका बुनियादी ढांचा मतलब देखते ही बनता है। आप अगर रोड से देखेंगे ना तो इसको देखते ही रह जाएंगे। ये देखिए, सभी लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, बना रहे हैं, और बहुत सॉलिड होता है जो भी ये बनाते हैं ना।
का लोहा का होता है, आकर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करके खुद से पक्के लोहे का बनाते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि इनके पास आने के बाद में ना कि सामान जब आप खरीदते हैं तो तौल मांग मत करें, मतलब मत करें तौल मांग, क्योंकि ये लोग अपने मेहनत का ही पैसा मांगते हैं आपसे। बहुत लोगों का क्या होता है कि आते हैं और बोलते हैं ना कि इतना में दो इतना में दो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जिस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं वहाँ पर, और ये पूरा का पूरा आरा मौलाबाग पकड़ी चौक बोला जाता है, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इससे आगे जाने पे वो है मिठाई का दुकान, बहुत बड़ा बहुत पुराना, जहाँ पे लाइन लगती है खाने के लिए मिठाई, और हाथ थक जाते हैं ऑनर्स को देते देते मिठाई। दिखाई दे रहा है, यही है वो दुकान मिठाई का, जहाँ पे आपको रसगुल्ला छेना सब मिलता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही एक दुकान है, यहाँ पे और भी दो तीन दुकान है, उस साइड फल का दुकान है, लेकिन कहते हैं ना जिसके हाथ में स्वाद होता है वहाँ लोग खींचे चले आते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मिठाई ही नहीं बल्कि समोसा कचौड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं गर्मा गर्म समोसा तला जा रहा है। और इधर आपने रसगुल्ला या मिठाई जो भी कहें उनको आपने सिर्फ जासनी में डूबे हुए देखा होगा, लेकिन हम यहाँ पे तलते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तला जा रहा है, पहले तेल में फ्राई किया जाता है, और इस साइड में देखिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको दिखा रहे हैं ये बना रहे हैं, और ये अच्छे से यहाँ पे उसका जो सजावट है अच्छे से कि फट उठ ना जाए सब, और यहाँ पे बनाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मिठाई का दुकान, मतलब ये मिनी कारखाना कह लीजिए, जहाँ पे एक दिन में इतना मिठाई बनाया जाता है। ये देखिए, ओए होए, अरे और भी दिखाते हैं आपको क्लोज, मतलब अगर आप जनरली अगर कोई स्टोर में जाते हैं ना तो काउंटर पे एक प्लेट में रखा हुआ रहेगा मात्र 200-150 पीस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे ना ये देखिए इतने बड़े बड़े हांडियों में रखा जाता है, बड़े प्यार से बनाते हैं, चाशनी में डुबाते हैं, और लोग मतलब बहुत अच्छे से खाते हैं यहाँ पर, है कि नहीं सर? दुकान जो है ना सिर्फ पूंजियों से नहीं बल्कि स्वाद से जमती है, और इन लोग का विश्वास इतना है यहाँ ग्राहकों का कि मतलब अभी तो उतना नहीं दिख रहा है, फिर भी जितना दिख रहा है हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए भीड़ लगता है, एक सफ़ेद और एक काला जामुन लग रहा है मेरे लिए, जैसा कि ये देखिए, और बहुत ही गर्म है, ऐसा नहीं है कि ठंडा है, मतलब यहाँ पर हर चीज़ ना बहुत ही फर्स्ट क्लास मिलेगा, किसी तरीके का कोई वो नौटंकी नहीं यहाँ पर। एक भैया भी है हमारे साथ, भैया आपको कैसा लगा खाकर? कितने समय से खा रहे हैं आप? जब तभी खा रहा है। जरूर जरूर, मतलब एनी टाइम आप लोग आकर खाते हैं। तो अभी भी कैसा लगा ये मेरा न्यू ब्लॉग, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मेरे और भी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि किस टाइप का और भी ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद।